Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friends, मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये एपिसोड के दो पार्ट्स है. पहले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन सिनेमाज बिगेस्ट फिल्म, यानी कि इससे पहले इंडियन सिनेमा में इतनी बड़ी बजट की फिल्म आज तक कभी ना प्लान हुई है ना कभी एग्जीक्यूट हुई है. बहुत सारी फिल्में रहती है जो कि ऑन पेपर स्पेशली यहाँ पर ऑडियंसिस को अट्रैक्ट करने के लिए अपने स्केल को बहुत बड़ा बताने के लिए बताई जाती है कि हमारी फिल्म 400 करोड़ की है, 500 करोड़ की है, लेकिन असलियत में उनका बजट उतना होता नहीं है. लेकिन कई फिल्में हैं इंडियन सिनेमा में जो 400-500 करोड़ के बजट पर बनी है, लेकिन ये फिल्म का बजट सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन जो है हट जाएगी. आई होप ये बजट सही नहीं हो, क्योंकि अगर ये बजट सही है then guys this will require a mammoth box office. Literally बोल रहा हूँ, ये बॉक्स ऑफिस अचीव करने के लिए बोलते हैं ना कि धरती आकाश एक कर देना पड़ेगा एंड पूरा देश अगर 10 करोड़ के ऊपर के लोग देखेंगे, यानी कि इंडियन सिनेमा की सबसे हाईएस्ट फुटफॉल वाली फिल्म बनेगी, तभी जाकर इतना पैसा जो है रिकवर होगा. वरना ये आईपी है मेरी फिल्म की, इसको बेचकर हम इतना कमाएंगे, ये सैटेलाइट से इतना आ गया, डिजिटल इतना आ गया, पार्ट टू में हम रिकवर करेंगे, ये सब नॉनसेंस से ये फिल्म का कुछ होने वाला नहीं है. सभी लोगों को पता है कि आज से 3-4 दिन पहले के एपिसोड में मैंने आप सभी लोगों को बताया था किस तरह से यहाँ पर अल्लू अरविंद, यानी कि अल्लू अर्जुन के फादर मधु मंटेना ने यहाँ पर शो कॉज नोटिस भेजा है यहाँ पर नमित मल्होत्रा एंड प्राइम फोकस को कि उनके जो पैसे बनते हैं वो यहाँ पर आ जाए. उसके एपिसोड कंटिन्यूएशन आज मैं करूंगा गाइस. यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि रामायणा जो है उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, कोई भी उस कहानी पर फिल्म बना सकता है. लेकिन गाइस जो बात मेरे सामने आई वो ये है कि नीतीश तिवारी ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, जो कैरेक्टर नीतीश तिवारी ने लिखे थे रामायण के लिए, चाहे वो रणबीर कपूर का हो, साई पल्लवी का हो, लारा दत्ता को हो, उसके कॉपीराइट्स जो है यहाँ पर मधु मंटेना एंड टीम ने यहाँ पर नमित मल्होत्रा को देने का जो वादा है वो किया था फॉर अ सर्टन अमाउंट. अब पूरा बात जो है यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली पूरा का पूरा केस क्या था. तो अब वो कैरेक्टर्स, वो प्रॉपर बाउंड स्क्रिप्ट जो नीतीश तिवारी ने लिखी है उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहा है. नंबर वन पोर्शन इसको साइड में रखते हैं. नंबर टू, रामायण इज गोना बी द बिगेस्ट फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा एंड इसका बजट जो है $100 मिलियन कहा जा रहा है. देखिए गाइस, इंडिया नेट आज तक किसी फिल्म ने इतना पैसा जो है कमाया नहीं है. बजट तो दूर की बात है, यानी कि इसका बजट डॉलर के रेट के हिसाब से कन्वर्ट करूं तो 835 करोड़ रुपया होता है. 835 करोड़ रुपया रिकवर करना इंडियन थिएटरिकल से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, स्पेशली अब जो सिनारियो चल रहा है उसमें इतना बड़ा धनराशि जो है रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. यू हैव टू मेक ए क्लासिक टू रिकवर सच अमाउंट ऑफ मनी. एंड गाइज इतना ही नहीं, अगर आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे. 835 करोड़ का बजट जो है सिर्फ रामायणा पार्ट वन का है. पार्ट वन 835 करोड़, यू नीड टू मेक अ फ्लॉलेस फिल्म जो कि किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है गाइस यहाँ पर. एंड उसके बाद ऑब्वियसली पार्ट टू पार्ट थ्री जो है बनते जाएंगे. ये तो कुछ भी नहीं है. अब सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो है फिल्म की बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि इसके VFX को 600 दिन लगेंगे ये कहा जा रहा है. यानी कि पिक्चर बहुत हैवी ऑन VFX रहेगी. देखिए गाइस, प्राइम फोकस, DNEG, इनके VFX पे उंगली उठाना मतलब बेवकूफी होगा. दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस, ऑस्कर्स मिल चुका है उनको VFX के लिए, तो वो विषय में बात करना एकदम नॉनसेंसिकल होगा. लेकिन 600 दिन का VFX यहाँ पर हजम नहीं हो रहा. तो इंटरेस्ट विल माउंट. वैसे ही प्रोड्यूसर फिलहाल फिल्म के लिए कौन है कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है गाइस यहाँ पर. 600 दिन मतलब तकरीबन आप लोग पकड़ लो कि ऑलमोस्ट 2 साल VFX पे जाएगा. जहां लग रहा था कि फिल्म 2025 के दिवाली में आएगी, फिर मैंने आपको बताया कि 25 में नहीं आने वाली है, 26 में आएगी. अब कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है दिवाली 2027 को आने वाली है. तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है गाइस यहाँ पर. अब ये हास्यापक विषय है या फिर गंभीर विषय है या फिर प्राउड होने वाला विषय है, तो जनता डिसाइड करेगी गाइस. प्रैक्टिकली दिस प्रोजेक्ट डजंट लुक वॉट इट इज राइट नाउ. तो ये था एपिसोड का पहला हिस्सा जहाँ पे इंडस्ट्री पूरे की पूरी खड्डे में गिर चुकी है बजट को लेकर. वहां पर ये मेकर्स जो है 835 करोड़ की फिल्म जो है बनाने के लिए जा रहे हैं. अब इस एपिसोड का दूसरा पार्ट, बहुत सारी फिल्में जो एम्बिशियस थी, जो कि प्लान की गई थी,
टू पार्टर, थ्री पार्टर, 500 करोड़, 600 करोड़ की फिल्में, आर्टिकल्स आई थी कि हमारे हीरो ने 40 करोड़ रुपए लिया है, 50 करोड़ का साइनिंग अमाउंट लिया है, इस तरह का बिजनेस हुआ है, सारे के सारे प्लान्स खड्डे में चले गए हैं। रोहित धवन एंड सिद्धार्थ आनंद की फिल्म जो है रैम्बो, वो कम्प्लीटली गाइस जो है शेल्व हो चुकी है। गणपत का पार्ट टू सभी लोगों को पता है, गणपत का पार्ट टू कभी जिंदगी में बनेगा नहीं। हाँ, एक और थी, एक फिल्म थी जहाँ पर एक एक्ट्रेस की बायोपिक बनने वाली थी, वो भी कम्प्लीटली शेल्व कर दी गई है। रणबीर कपूर एंड किशोर कुमार की जो फिल्म थी, जो कि अनुराग बासु बनाने वाले थे, वो बजट के इशू के वजह से यहाँ पर स्टॉल कहूँ या फिर रोक दी गई है, नहीं है, रणबीर के पास डेट्स नहीं है, ये असली कारण है। रणबीर हैज लव एंड वॉर, ही हैज एनिमल पार्क एंड रामायणा पार्ट वन, इसीलिए फिल्म जो है वो फिलहाल नहीं बन रही, उस पर बजट इश्यूज नहीं है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थी स्पाइडर, सबको लगा इस खेरशाह के बाद योद्धा बॉक्स ऑफिस तोड़ देगी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो स्पाइडर जो है वो शेल्व हो गई। एंड सबसे बड़ा अभी कमाल होने वाला है कि वाशु बगनानी एंड पूजा एंटरटेनमेंट किस तरह से हिम्मत करके अश्वत्थामा बनाएंगे, क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बाद 350 करोड़ के फटके लगने के बाद अब उनका अगला स्टेप कैसा होगा, ये सोच के भी आदमी की जो रूह है वो कांप जाती है। अश्वत्थामा का बजट जो है ऑलमोस्ट 400 करोड़ के ऊपर कहा जा रहा था, इवन टचिंग 500 करोड़, लेकिन अब कीपिंग द बॉक्स ऑफिस इन माइंड, कीपिंग शाहिद कपूर इन माइंड, अभी फिल्म का बजट ऑलमोस्ट 200 करोड़ जो है कर दिया गया है। बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं क्रिटिक्स द्वारा, ट्रेड एनालिस्ट द्वारा, पोर्टल्स द्वारा, कि जिस तरह का बॉक्स ऑफिस है, अगर आपका स्टार ओपनिंग नहीं दे पा रहा है, ओपनिंग दे रहा है 3 करोड़ 4 करोड़ की, और फीस ले रहा है यहाँ पर 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए, क्यों स्टार्स जो अपनी फीस रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस की ओपनिंग नहीं दे पा रहे हो, मेरे आप सभी लोगों को एक सवाल है, आई थिंक तुम सब लोगों का मुंह जो है बंद कर लेगा, क्या तुम पर ट्वीट जो 25,000 रुपए लेते हो विद GST उसको 10,000 रुपए कर दोगे? क्योंकि तुम्हारे ट्वीट से वैसे भी कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तुम ट्वीट करो नहीं करो इट मैटर्स शिट टू एनीबॉडी। आजकल बॉक्स ऑफिस नंबर खुद प्रोड्यूसर देता है, क्या करोगे? जो रिव्यू करने के लिए समोसा क्रिटिक्स जो पैसे लेते हैं, जो भी एक्स अमाउंट है, 50,000 60,000 रुपया जो भी तुम लोग लेते हो पैसा, उसको 5,000 रुपया कर दो, करोगे नहीं ना? जब तुम अपने पैसे कम नहीं कर रहे हो, जब तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो तो एक सुपरस्टार है भाई, वो भी सोच समझ के अपना पैसा करेगा ना, जब उसको अमाउंट मिल रहा है। यस, पैसा जो है उसको कम करना बहुत जरूरी है, यू कैन नॉट वर्क इन द सेम अमाउंट साइनिंग अमाउंट, लेकिन जो ज्ञान दिया जा रहा है क्रिटिक्स द्वारा, ट्रेड द्वारा, कम ऑन गाइस, सबसे पहले अपने गिरेबान को झांक कर देखो, जो तुम ट्वीट्स के पैसे लेते हो उसको पहले है ना कम कर दो, बोलो फ्री में ट्वीट करेंगे, करोगे नहीं ना, तो शट योर माउथ नाउ। बात करो गाइस साइनिंग अमाउंट्स की, तो गाइस यहाँ पर अब अश्वत्थामा का बजट जो है कम कर दिया गया है, शाहिद कपूर ने अपने जो साइनिंग अमाउंट है उसको भी कम किया है। इतना ही नहीं, सूर्या जो है ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म करना जो है करने वाला है, उसका बजट 600 करोड़ बताया जा रहा है। मैं अभी बोल रहा हूँ डोंट डू दैट मिस्टेक, 600 करोड़ रुपीज इज एन इम्पॉसिबल टास्क, वो भी दो पार्ट की फिल्म है, उसको भी कम कर दिया गया है। रणवीर सिंह एंड उरी के डायरेक्टर आदित्य धार जो है उनकी जो फिल्म बनने वाली है गाइज, यहाँ पर उसके बजट को भी कम किया है, रणवीर के साइनिंग अमाउंट को कम किया है, शक्तिमान के बजट को भी गाइज यहाँ पर रिड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली रणवीर का बॉक्स ऑफिस उस तरह से नहीं रहा है। लेकिन बीच में मैंने ये भी देखा कि रणवीर जिस तरह से शूट करता है, जिस तरह से उसकी लाइफस्टाइल, उसको भी लेकर क्रिटिसाइज किया गया है, एक स्टार अपने स्टारडम के साथ उसका लाइफस्टाइल भी लेकर आता है, समझ में आ रहा है, आज से नहीं सदियों से वो चल रहा है, इतने आर्टिस्ट इतने अपना असिस्टेंट लेके घूम रहा है। यस, उससे बजट पे फर्क पड़ता है, लेकिन एक आर्टिस्ट को उसको लेकर ट्रोल करना जस्ट बिकॉज इस टाइम इज नॉट राइट इज एब्सोल्युटली पैथेटिक एंड बिलो द बेल्ट फ्रॉम सम जर्नलिस्ट, जो कि बहुत ही गलत है गाइज यहाँ पर। तो अब गाइज लेट्स सी, देखने लायक रहेगा कि अभी आने वाले समय में बॉलीवुड जो बजट डिक्लेयर कर रहा है, जिस तरह से काम कर रहा है, आगे होता है कम या फिर वही रास्ते पर चलते हैं एंड फिल्में उसी तरह से पिटती रहती है बॉक्स ऑफिस पे। फिलहाल रामायणा इज गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा, 850 करोड़ का बजट, लेट्स सी क्या होता है, तो वक्त ही बताएगा। एपिसोड कैसा लगा आपको कृपया करें कमेंट सेक्शन में बताइए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।